हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इडू स्टडी हब। मेरे इडू स्टडी हब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का, जिसमें रूल वाइज हम इंग्लिश ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पूरा इंग्लिश ग्रामर रूल नंबर 1 से लेकर के 200 तक का होगा। पूरे 200 रूल में मैं आपको पूरा इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा, और क्विक रिवीजन के लिए भी ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ताकि आप 2 से 3 घंटे में पूरा आप रूल वाइज आप पूरे इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें। और कभी भी जब भी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत हो, तो आप 200 का 200 रूल आप एक बार देख लें, ताकि आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंस को भी रूल वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे, जो कि रूल नंबर 1 से लेकर के 12 तक का होगा। तो पहला रूल हमारा जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट का हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी वन प्लस एस ई आई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब रूल 1 क्या कहता है? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन एंड इररेगुलर एक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ भी आपको ये कीवर्ड्स आपको दिखें, तो आप समझ सकें कि इसमें हमें V1 प्लस एस ई आई एस का यूज़ करना है, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स कुछ होते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, हैबिचुअली, कंटिन्यूसली, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, इरेगुलरली, नेवर, डेली, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मोमेंट, मंथ, एवरी मॉर्निंग, एवरीथिंग, इवनिंग, एवरी इवनिंग। ठीक है, या ये भी आपको कीवर्ड्स याद रखना है कि वंस या ट्वाइस, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ। ठीक है, तो उपरोक्त ये पूरे जितने भी ये आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, इसमें आपको क्या करना है कि इन सभी में आपको एक ही चीज़ लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी वन प्लस एस या ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, तो अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है पहला आपका, सुशीला ऑफेन गेट्स लेट। ठीक है, तो ऑफेन एक रूट वर्ड है जो कि ऊपर हमने पढ़ा, तो ऑफेन देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का केस है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब क्या होता है कि वर्ब में हम एस या ई एस अगर ऐड कर देते हैं, तो वर्ब जो होता है सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, वहीं अगर नाउन में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आपको एस या एस को ऐड करना पड़ेगा, और आपको तो पता ही होगा कि नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, तो अब वही है कि यहाँ पे सुशीला जो है, सुशीला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें, तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है, जो भी वर्ब हो उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं, तो हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो गेट, गेट हमारा जो बेसिक वर्ब होता है गेट है, उसमें
एस जोड़ दिया गया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गया है, ठीक है। तो ये पहला आपका एग्जाम्पल था, सुशीला ऑफन गेट्स लेट, ठीक है। माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए एवरी मॉर्निंग था उसी में से एक कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आपको माई फादर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यस या यस जोड़ करके हमने गो में यस जोड़ करके इसे सिंगुलर वर्ब बना दिया है, ठीक है। अब अगला है आपका, सी डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। एट 8 PM देखिए ये अब एक और मतलब स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अब ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे है वी गो टू चर्च ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ ऊपर का एक कीवर्ड्स है, ठीक है। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो वी गो टू चर्च ट्वाइस अ मंथ, ठीक है। अब रूल टू क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल परमानेंट एक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ एग्जांपल है, जैसे पहला एग्जांपल है यूनिवर्सल ट्रूथ से, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है पूरब में उगता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। ये है कि एक प्रिंसिपल है, ये वाला एक प्रिंसिपल है, जैसे कि आपका वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल, 2 and 4 make 6, 2 और 4 मिलकर के 6 बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी आपको दो केस देखना है कि एंड जो आ रहा है यहाँ पे एंड वो एडिशन के लिए आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन के लिए आ रहा है। अगर वो एडिशन के लिए आ रहा हो तो हम प्लुरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज आ रहा हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है हमारा, 2 and 4 make 6, 2 और 4 मिल करके 6 बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या 2 और +4 मिल करके ना 6 बनाते हैं, तो प्लस आ रहा है ना आपका, तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि हमें एडिशन का केस है, तो एडिशन में हम इसे प्लुरल वर्ब समझेंगे, तो प्लुरल वर्ब प्लुरल सब्जेक्ट समझ करके प्लुरल वर्ब लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो मेक हमारा प्लुरल वर्ब है, ठीक है। आगे है आपका, वहीं आगे है कि 2 and 4 makes 8, यहाँ पे मैक्स इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये एंड का यूज मल्टीप्लिकेशन के लिए किया गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे है आपका पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट का यूज हम देखेंगे। अब स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट इंडिफिनिट का। अब रूल है कि पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग पास्ट हैबिट शो करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, तो वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप पास्ट इंडिफिनिट का कुछ अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, आई सेल्डम रोट अ चेक इवन वेन देयर वॉज नो बैलेंस इन माई अकाउंट, तो ये पास्ट हैबिट आपको शो कर रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पर इसलिए V2 का यूज किया गया है। तो आपका अगला है, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट इन स्ट्रीट, तो वो बचपन में खेला करता था क्रिकेट, ठीक है, स्ट्रीट पे, ठीक है। तो ये पास्ट हैबिट बता रहा है, ठीक है। अब नोट ये आपको याद रखना है, नोट है कि आपका पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए यूज टू और वुड का भी प्रयोग किया जाता है। अब पास्ट हैबिट दिखाने के लिए आपको V2 का यूज़ तो किया ही जाता है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ किया ही जाता है, लेकिन आप यूज टू
या वुड का भी यूज करके आप पास्ट हैबिट को शो कर सकते हैं। जैसे पहला है आई वेंट टू जिम ऑन फुट, मैं जिम जाता था पैदल, ठीक है। और आई यूज टू रिटर्न बाई बस, और मैं आता था बस से, ठीक है। तो ये पास्ट हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए वी टू यूज ना करके ये आपको यूज टू का यूज़ किया गया है पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे एंड वुड टेक रेस्ट आफ्टर कमिंग होम, तो वुड जो है यहाँ पे आपका पास्ट हैबिट को शो करने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है, वुड का यूज किया जा रहा है। अब देखिए अगला रूल आपका पास्ट इंडेफिनिट से ही रिलेटेड है, रूल नंबर फोर है पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स तथा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स कुछ देख लेते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यस्टरडे है आपका पॉइंट पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स, द अदर डे है, एगो है, बैक है, बिफोर है या अर्लियर है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग। ये अगर आपको जहाँ भी ये वर्ड्स दिखे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो सेंटेंस होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है आपका कि आई वॉच दिस मूवी स्टरडे, स्टरडे इसी में से एक वर्ड है आपका, ठीक है। तो इस स्टरडे देखते ही, कीवर्ड्स देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए आपके कि जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो वी टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे वी टू का यूज़ किया गया है तो स्ट्रक्चर सही है। आई वॉच दिस मूवी स्टरडे, आई बिल्ट दिस हाउस इन 1999। तो 1999 आपका पॉइंट ऑफ टाइम है जो कि पास्ट का शो कर रहा है, इसलिए हम वी टू का यूज़ किया हमने। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया 2000 ईयर्स एगो, देखिए एगो जो वर्ड है आपका ये पास्ट वर्ड्स में से है, ठीक है। तो ये पास्ट शो कर रहा है आपका। अब आगे है रूल नंबर फाइव में क्या है, इट इज़ टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स बेटर टाइम। अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में हो, ठीक है, और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट हो, याद रखिएगा कि ये अगर हो इट्स टाइम या इट इज़ टाइम या इट्स हाई टाइम या इट्स बेटर टाइम, इसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट हो तो आने वाला वर्ब जो होगा वो आपका वी टू फॉर्म में होगा, ठीक है, ये याद रखिए। तो इसका एग्जांपल है आपका इट्स हाई टाइम, देखिए इट्स हाई टाइम है, उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो आपका वी टू में होगा। तो वी टू स्टडीड है, ठीक है, तो स्टडीड आपका आना चाहिए, वी टू आना चाहिए। तो यहाँ पे V1 दे करके या कुछ और दे करके आपको मतलब एरर दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम या इट्स बेटर टाइम के बाद अगर आपका सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज होगा, ठीक है। अगला है आपका ये दूसरा एग्जांपल, 11 o'clock, मतलब 11 बज गया है, इट्स बेटर टाइम, वी जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वी टू होना चाहिए। तो वेंट आपका वी टू वर्ब है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टाइम, वी वेंट होम, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट केस देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट उसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी पर आधारित रूल सिक्स है आपका। रूल सिक्स क्या कहता है, निम्नलिखित एडवर्ब्स के साथ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। तो वो एडवर्ब्स देख लेते हैं, सून है, शॉर्टली है, टुमारो है, नेक्स्ट है, सेकेंड डे, वीक, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम को शो कर रहा है या किसी ना किसी एडवर्ब्स को शो कर रहा है। तो ये सारे वर्ड्स आपको दिखे अगर सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस जो होना चाहिए वो फ्यूचर इंडिफिनिट केस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला एग्जांपल इस रिलेटेड देख लेते हैं क्या, ही विल टेक एग्जामिनेशन
नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मॉर्निंग मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ आपका फ्यूचर का शो कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। तो इसको देखते ही नेक्स्ट मंथ देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का केस हो सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का केस में का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल विल है यहाँ पे वी वन है, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का केस है। दे विल कम हीयर शॉर्टली, शॉर्टली जो है आपका इसी में से एक एडवर्ब है, तो ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का केस होना चाहिए। तो दे विल कम हीयर शॉर्ट। अब आगे हम कंटिन्यूअस का केस देखेंगे, जिसमें जिसका कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, मतलब फॉर्म्स ऑफ बी मतलब इज एम आर वाज वेयर या शैल विल बी, शैल या विल बी आएगा, ठीक है। और आईएनजी का फॉर्म होगा वी वन प्लस आईएनजी का, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब फॉर्म ऑफ बी देख लेते हैं कि प्रजेंट में हम इज एम आर बी का फॉर्म होता है, पास्ट में वाज वेयर का फॉर्म होता है, ठीक है। और फ्यूचर में शैल या विल बी का होता है, शैल बी या विल बी का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपका रूल नंबर 7 है। तो रूल नंबर 7 में क्या है कि रूल नंबर 7 है आपका कि जैसे लाइव एक्शन, टेम्प्रोरी एक्शन, पैरेलल एक्शन में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो लाइव एक्शन, टेम्प्रोरी एक्शन, पैरेलल एक्शन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मतलब समझने का मतलब उसको पहचानने का तरीका क्या है, तो आपको जहाँ भी क्वेश्चन में मतलब सेंटेंस में नाउ और राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस डेज, नाउ अ डे, नाउ अ डेज, एट दिस, एट द मोमेंट, अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का केस है, ठीक है। इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका मिस्टर सुजीत टीचेस मैथमेटिक्स, ठीक है। मिस्टर सुजीत जो है हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो ये रेगुलर एक्शन है, मतलब वो हमेशा आकर के क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर एक्शन है आपका, तो आपका रेगुलर एक्शन तो हमने पहले पढ़ रखा है कि वे पास्ट इंडेफिनिट केस में होता है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर एक्शन है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट का केस, ठीक है। अगर लाइव एक्शन हो तो हमने अभी अभी पढ़ा कि लाइव एक्शन में हम जो है होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस आई एन जी वर्ब का आई एन जी फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे मिस्टर सुजीत इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट दिस टाइम, एट दिस टाइम जो है आपका एक रूट वर्ड्स है जो ऊपर पढ़ा हमने, एट दिस टाइम, ठीक है। यहाँ पे तो एट दिस टाइम देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस होना चाहिए आपका वो फ्यूचर मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि ये लाइव एक्शन है, ठीक है। रेगुलर एक्शन में भी हम, रेगुलर एक्शन क्या है कि माई ब्रदर स्टडीज इन डीपीएस, ठीक है। तो ये तो रेगुलर एक्शन है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस होगा। और अगर वहीं अगर टेम्प्ररी एक्शन में अगर देखें तो माई ब्रदर इज स्टडिंग इन डीपीएस दिस डेज, मतलब आजकल हमारा भाई, मेरा भाई डीपीएस में पढ़ रहा है, मतलब आजकल तो पढ़ रहा है लेकिन कुछ दिन के बाद वो नहीं पढ़ेगा, मतलब वो टेम्प्ररी एक्शन है। तो टेम्प्ररी एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 8 है उसी से रिलेटेड कि निम्नलिखित वर्ब्स को, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इससे एरर हो जाता है। तो वो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जिसका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, जिन वर्ब्स का। तो हमारा पहला वर्ब है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, जो जिस मतलब जिस वर्ब से हम
अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ हम आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते हैं वैसे वर्ब के साथ, जैसे लव का लविंग नहीं होता, लव केवल होता है, ठीक है। लाइक, हेट, अनलाइक, रिस्पेक्ट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, वांट, विश, डिज़ायर, तो ये कुछ वर्ड हैं। इतने ही वर्ड होते हैं जो ऐसे वर्ब हैं जो वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, मतलब जो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, तो इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। आगे कुछ है जैसे वर्ब रिलेटिंग मेंटल एक्टिविटी, जो दिमाग की एक्टिविटी होती है, जैसे अंडरस्टैंड, बिलीव, थिंक, एग्री, नो, मीन, माइंड, सपोज, ये सब दिमाग का एक्शन है, मतलब मेंटली एक्शन एक्टिविटी है, तो इसके साथ भी हम आईएनजी का वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है, जो हम अपने सिक्स मतलब फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा हम मतलब ऐसे वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे सी आँख से देखने का, सी टेस्ट स्मेल, हियर प्रीफर, फील टेस्ट टच, तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, इनके साथ भी हम आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते हैं। अगला है वर्ब शोइंग पोजेशन, जो भी वर्ब पोजेशन शो करे, जैसे हैव, ओन, ओ, बिलोंग, कीप, कंटेन, पोजेस और कंप्राइज, ये सब वर्ब ऐसे हैं जो शो करते हैं पोजेशन को, तो इनके साथ भी हम आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते हैं। अब इसके साथ जब भी सेंटेंस में देगा तो आईएनजी का फॉर्म यूज़ करके दिया होगा, तो आपको उसको एरर समझ करके और ठीक करना है होता है, ठीक है। तो पहला इससे देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इनकोरेक्ट फॉर्म में, जैसे ऑल ऑफ अस आर हियरिंग द बेल। अब हियरिंग मत क्या है, आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन है, मतलब कान से, मतलब एक अपन का जो फाइव सेंस ऑर्गन में से एक जो ऑर्गन होता है वो कान होता है, उससे हम हियर करते हैं, तो हियर का हियरिंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हियर का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। शी इज हैविंग नो हाउस टू लिव, यहाँ पे हैविंग का यूज़ जो किया गया है वो पोजेशन के लिए यूज़ किया गया, तो हैविंग नहीं होकर के हैव का यूज़ किया जाएगा। अब स्टैंडिंग, स्टैंड भी एक ऐसा वर्ब है जो हम जिसका यूज हम आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं, तो इसका अब कॉरेक्ट देख लेते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ऑल ऑफ अस हियर द बेल, ठीक है, ऑल ऑफ अस हियर द बेल, तो जब भी ऐसे वर्ड जो जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते उसको हम ऐसे यूज करेंगे, ऑल ऑफ अस हियर द बेल, शी हैज़ नो हाउस टू लिव, ठीक है, द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हियर है मतलब वर्ब जो है परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाना होता है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया हुआ है, तो ये करेक्ट है। हैज है तो सी हैज नो हाउस टू लिव, उसके पास घर नहीं है रहने को, ठीक है, तो हैज का यूज जो है वो पोजेशन का शो करने के लिए किया गया, तो ये सही है क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ किया गया। यहाँ पे स्टैंड भी आपका ऐसा वर्ड है, मतलब ऐसा वर्ब है जिसका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, तो ये भी आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं है, तो ये भी करेक्ट है आपका। कंटिन्यूअस का अब नोट देख लेते हैं, नोट में क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर तथा फ्यूचर में कंटिन्यूअस में शैल विल बी का प्रयोग होता है, तो सब कुछ तो मतलब वही होगा कंटिन्यूअस में, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने केस अभी पढ़ा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का यूज़ करते हैं इज ए मार के जगह पे, फ्यूचर में शैल विल बी का यूज़ करते हैं, शैल बी या विल बी का यूज़ करते हैं, उसके बाद तो वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा वाज वेयर के बाद या शैल विल बी के पास, ठीक है। तो अगला अब देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का केस, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का केस है। तो रूल उस रिलेटेड रूल है क्या, निम्नलिखित एडवर्ब्स के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे वो एडवर्ब्स हैं क्या, एवो, नेवो, ऑलरेडी, रिसेंटली,
लेटली, सेवरल सेवरल टाइम्स, ठीक है, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, सो फार, अप टू नाउ, एक साथ, ठीक है, अप टू प्रेजेंट, टिल नाउ, टिल टुडे, ऑफ लेट या टू दिस डेट, ये कुछ वर्ड हैं। इनके साथ ये जब भी सेंटेंस में आपको दिखे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये भी जब भी सेंटेंस में दिखे तो हम समझ लेंगे कि वो जो मतलब सब ये सेंटेंस होना चाहिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफ लेट, अब ऑफ लेट आपका जो है इसी में से एक है, तो ऑफ लेट आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, ठीक है। तो ऑफ लेट के साथ आपका हैज हैव या हैव प्लस V3 का फॉर्म यूज होना चाहिए, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। सी हैज़ रिसेंटली, रिसेंटली उसी में से एक वर्ड है, तो आपका हैज़ या हैव प्लस V3 का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो यह भी करेक्ट है, यह भी करेक्ट है। तो यह एग्जाम्पल था प्रेजेंट परफेक्ट का। आगे है आपका नोट, इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। येट का प्रयोग निगेटिव या इंटरगेटिव सेंटेंस में होता है, तो येट का यूज जो होता है केवल निगेटिव या इंटरगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे ही हैज़ नॉट हैड हिज लंच येट, उसने अभी तक अपना जो लंच है वो नहीं किया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का केस है तो इसके साथ हम येट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला रूल आपका रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में है, यदि किसी सेंटेंस में दो क्लॉज को सिंस से जोड़ा गया हो, जोड़ा जाता हो, सिंस के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर सिंस हो बीच में, दो सेंटेंस हो, ठीक है, सेंटेंस ये दो मतलब क्लॉज हो, ये क्लॉज वन और ये क्लॉज टू, ठीक है, और बीच में सिंस से जोड़ा गया हो दोनों क्लॉज को, तो जब भी दोनों क्लॉज को सिंस से जोड़ा गया हो और बीच बीच में सेंस कनेक्टर का काम कर रहा हो, ठीक है, तो पहला जो है आपका सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और सिंस के बाद वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट का केस होगा, जैसे V2 का केस होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का केस होगा, और ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 का केस होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंस के पहले वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और बाद वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का केस होगा, ठीक है। अब इस पर रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे आई हैवंट यूज दिस पेन सिंस आई बॉट इट। अब देखिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है, तो सिंस के पहले और सिंस के बाद क्लॉज है, दो क्लॉज को सिंस से जोड़ा गया, तो पहले वाला क्लॉज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो देखिए हैज़ या हैव का केस है और यूज्ड है मतलब V3 है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का केस है। उसके बाद बॉट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सही है ये, ठीक है। आई हैवंट विजिटेड माई विलेज सिंस का केस है, तो सिंस का केस जब भी हो तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का केस होना चाहिए, तो आई केम टू अमेरिका, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का केस है, ठीक है। अब आगे आपको देखना है पास्ट परफेक्ट का केस है। पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल नंबर 11 उसे से रिलेटेड है, यदि पास्ट में दो एक्शन हुए हों, ठीक है, दो एक्शन हुए हों पास्ट में, कंप्लीट एक्शन में पास्ट परफेक्ट, जो कंप्लीट एक्शन हो गया हो, दो एक्शन हो उसमें से पहले मतलब जो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट, और रिसेंट पास्ट एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कंप्लीट एक्शन में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, मतलब हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं फर्स्ट एक्शन में, और सेकेंड एक्शन जो
मतलब रिसेंट पास्ट एक्शन हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का केस यूज करते हैं, मतलब वी टू सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट का केस यूज करते हैं। अब इस केस को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पहला एक्शन और दूसरा एक्शन का। तो देखिए कोई भी एक्शन जो हो, जैसे कोई भी एक्शन हो, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस को हम देखते हैं, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, जैसे ही हम लोग ने मतलब हम लोग थिएटर में पहुँचे, द मूवी हैड बिगन, ठीक है। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ था, मूवी का मतलब शुरू होना, उसके बाद हम लोग पहुँचे, तो जो मतलब चीज़ स्टार्ट हो चुका है पहले और अभी तक चल भी रहा हो, ठीक है। जैसे मूवी स्टार्ट हुआ होगा, स्टार्ट पहला काम तो था स्टार्ट होना, तो स्टार्ट हुआ था पहले और चल रहा है, उसके बाद हम लोग पहुँचे होंगे वहाँ पे, तो क्या होगा कि जो पहले एक्शन हो चुका है वो हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो हो मतलब सेकेंड एक्शन जो हो वो हम पास्ट इंडिफिनिट में लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आपका, जब भी ये वर्ड्स दिखे, बिफोर, बाय द टाइम, व्हेन, ठीक है, तो उसके पहले आपका पास्ट परफेक्ट होगा और उसके बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो ये इतना याद करने से आपको बचने के लिए आपको आपको सेंटेंस में ये देखिए यहाँ पे है कि पास्ट इंडिफिनिट पहले हो गया है, आफ्टर और एज सून एज, तो इतना तामझाम आपको याद रखने से अच्छा है कि आप एक ही चीज़ याद रखें ऐसे केस में कि जब दो एक्शन हो रहा हो, ठीक है, एक के बाद एक दो एक्शन हो, तो पहला एक्शन जो स्टार्ट हो चुका हो और अभी तक चल रहा हो तो हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों एक्शन जो हो पास्ट में ही होना शुरू हुआ हो, ठीक है, और पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, ऐसा कुछ केस हो, दो एक्शन पास्ट में हो रहे हो, ठीक है, तो पहला एक्शन जो भी स्टार्ट हुआ हो पहला एक्शन उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, और बाद में जो उसके बाद जो एक्शन हो पास्ट में ही तो पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ करते हैं। जैसे वी हैड डन ऑल अरेंजमेंट्स बिफोर द चीफ मिनिस्टर रीच्ड आवर कॉलेज, तो वी हैड डन ऑल अरेंजमेंट्स, हम लोगों ने सारा अरेंजमेंट्स पूरा कर लिया था चीफ मिनिस्टर के पहुँचने से पहले। तो पहले जो काम था कौन सा, अरेंजमेंट का, तो अरेंजमेंट पहले पूरा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए जो पहले काम हुआ मतलब अरेंजमेंट का काम हुआ पहले तो आपको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया गया हैड प्लस वी थ्री, ठीक है। उसके बाद आपका उसके बाद चीफ मिनिस्टर आए होंगे, तो चीफ मिनिस्टर रिस्ट आवर कॉलेज, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ठीक है। व्हेन आई प्रपोज्ड टू हर शी हैड ऑलरेडी मैरिड, जब मैंने उसे प्रपोज किया था तब तक उसकी शादी हो चुकी थी, तो पहले शादी होने का काम हुआ था ना, तो पहले शादी का काम होने का शुरू हुआ मतलब हुआ था, पहला काम क्या हुआ था, शादी का होना, ठीक है। तो इस शादी मतलब जो पहला काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं, तो आपका पास्ट परफेक्ट में है पहला काम जो स्टार्ट हुआ मतलब जो काम हुआ था, और बाद में प्रपोज करने का काम हुआ तो जो पास्ट बाद में जो काम हुआ उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में लेते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट में आपका आई प्रपोज मतलब सब्जेक्ट प्लस वी टू, और ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपको नहीं देखना है इतना, आपको तो सिंपल देखना है कि दो जो मतलब जो दो काम है वो पहले काम कौन हो रहा है बाद में काम कौन हो रहा है, तो देखते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो पहला काम कौन सा हुआ था, पेशेंट मर गया था उसके बाद तब डॉक्टर पहुंचा, तो पहला काम पेशेंट का मरना था, तो पेशेंट मर चुका, ठीक है, तो जो पहले काम हुआ था उसको हम क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट में लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में है, पहला काम मरने का हुआ था, उसके बाद तब डॉक्टर पहुंचे थे, तो डॉक्टर जब पहुंचे थे तो उस समय क्या पेशेंट मर चुका था, तो पहला काम मरना, उसके बाद तब डॉक्टर का पहुंचना, डॉक्टर का पहुंचना काम बाद का था मतलब सेकेंड काम था, तो वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा, था पास्ट इंडिफिनिट में है। तो आपको ये आफ्टर एज सून एज का केस आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल आप केवल थोड़ा सा मीनिंग आप निकाल लोगे तो आप निकाल के आप निकाल सकते हो सही तरीका मतलब आंसर निकाल सकते हो इसके लिए। आपका अगला है, एज सून एज माई डॉटर हैड फिनिश्ड हर होमवर्क शी रैन आउट टू प्ले,
तो पहले पहला काम क्या था, उसके डॉटर का होमवर्क का कंप्लीट होना, ठीक है। उसके बाद तब वो कंप्लीट करते ही वो भाग गई खेलने। तो पहला काम क्या कि उसने अपना होमवर्क करना, तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट में है हैड प्लस V3, ठीक है। उसके बाद वाला काम उसका घर मतलब खेलने के लिए जाना, क्या पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट में ही है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड रूल है, रूल नंबर 12, बाय टाइम तथा बिफोर टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। बाय टाइम या बिफोर टाइम के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, देखिए बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर है मतलब बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम का केस है, तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट में लेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव प्लस V3, तो विल हैव प्लस V3 है आपका। अगला है आपका वी शैल हैव वॉच्ड लगान बिफोर मंडे, मंडे से पहले हम लोग लगान देख चुके रहेंगे, ठीक है। तो आपका ये बिफोर टाइम, ठीक है। तो बिफोर टाइम के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो शैल हैव प्लस V3, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का केस है। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस हम देख लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है। ये तो प्रेजेंट का था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस ये फ्यूचर का होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसमें क्या होता है कि जब पास्ट और प्रेजेंट में, प्रेजेंट और पास्ट में हम सिंस या फोर का यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम फ्रॉम और फोर का यूज़ करते हैं, सिंस के जगह पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। प्लस टाइम, तो देखिए अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो ये स्ट्रक्चर था कुछ, ठीक है। अब सिंस, अब एक चीज़ याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि आपको जो फ्यूचर का जो होता है सिंस या फोर का यूज होता है सब में, लेकिन सिंस के जगह पे हम फ्यूचर में हम सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं, बाकी सब में सिंस या फोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी हम पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस को कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या नहीं है, अगर सिंस प्लस टाइम या फोर प्लस टाइम हो, ठीक है। तो सिंस प्लस टाइम या फोर प्लस टाइम अगर हो, तो वो जो पूरा सेंटेंस होगा वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यूज़ देख लेते हैं सिंस और फोर का। सिंस का यूज जो होता है आपका, का प्रयोग कैलेंडर वैल्यू से पहले किया जाता है, जैसे नेम ऑफ द डेज सिंस, जैसे नेम ऑफ द डेज क्या है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंस का फिर एक और देख लेते हैं, सिंस का यूज नेम ऑफ द मंथ्स मतलब सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी में हम यूज करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द ईयर सिंस 1980 1981 1991 मतलब 2013 से। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डेज जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस डाउन, सिंस डस्क, सिंस डे ब्रेक, सिंस ट्वाइलाइट, ठीक है। नेम ऑफ द सीजन तो सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस ऑटमन। नेम ऑफ द फेस्टिवल सिंस दिवाली, सिंस ईद, सिंस ईस्टर, सिंस होली। नेम ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ और इवेंट्स, लाइफ ऑफ इवेंट्स तो सिंस हिज बर्थ,
since his death, since marriage, since anniversary, since childhood, since youth, since adolescence, तो ये स्टेज ऑफ लाइफ इवेंट्स है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले, जैसे फोर वन सेकेंड, फोर सेकेंड, फोर मिनट, फोर आवर, फोर डे, फोर वीक, फोर मंथ, फोर ईयर, फोर डिकेड, फोर सेंचुरी। वन के स्थान पर किसी भी गिनती कार्डिनल वैल्यू का प्रयोग हो सकता है, मतलब हो सकता है, ठीक है। कार्डिनल वैल्यू में वन टू थ्री, तो फोर वन टू थ्री, फोर वन मंथ, फोर टू मंथ, फोर थ्री सेकेंड, फोर फाइव सेकेंड, ऐसा कुछ हो सकता है। वन के जगह पे हम कोई भी गिनती का ले सकते हैं, जैसे फोर टू सेकेंड, फोर फाइव सेकेंड, फोर सिक्स सेकेंड। तो ये पाँच घंटे से, पाँच मिनट से, पाँच दिन से, अगर फोर वन सेकेंड, फोर फाइव सेकेंड, फोर फाइव मिनट अगर बता रहे हों कि कहीं भी, ठीक है, तो इसमें क्या कहीं भी हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन से पाँच दिन से, पिछले कौन से पाँच दिन से, पिछले कौन से पाँच घंटे से, तो इसमें पूरा पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिंस 1980, सिंस चाइल्डहुड, सिंस जनवरी, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मतलब 1980 से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, मतलब 1980 से, और पॉइंट ऑफ मंथ बता रहा है सिंस जनवरी, मतलब जनवरी से, या चाइल्डहुड मतलब बचपन से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो सिंस का यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम सिंस वन मंथ, मतलब कौन सा मंथ, जनवरी या फरवरी या अप्रैल या कोई भी कौन सा मंथ, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, मतलब ये ड्यूरेशन पता चल रहा है, केवल पीरियड ऑफ टाइम पता चल रहा है, फॉर वन मंथ, फॉर फाइव मंथ, ठीक है। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम का सेंस आपको लगे उस टाइम से, तो आप उसके साथ फोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर द लास्ट, फॉर द पास्ट, वन सेकेंड, ये सब वही है कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, फॉर अ लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, प्लेंटी ऑफ टाइम, फॉर प्लेंटी ऑफ टाइम, फॉर अ मोमेंट, फॉर सेवरल पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है, इसके साथ हम फोर का यूज़ करते हैं उससे पहले। तो ऑल पीरियड ऑफ टाइम से पहले ना ही सिंस का और ना ही फोर का यूज होता है। ये नोट है आपका कि ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम से पहले ना ही सिंस और ना ही फोर का यूज होता है। जैसे शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर ऑल द डे, ऑल डे, ठीक है। तो ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके पहले हम ना ही सिंस का यूज़ करेंगे और ना ही फोर का यूज़ करेंगे, तो ये गलत है, मतलब ऑल डे। तो ऑल डे अगर है तो इससे पहले हम सिंस या फोर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शी हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल डे, तो ये आपका सिंपल बिना सिंस और फोर का आएगा। देखिए यहाँ पे ऑल ईयर है, तो ऑल ईयर के साथ हम सिंस या फोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो माई मदर हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल ईयर्स, तो ये गलत है आपका सेंटेंस, क्योंकि ऑल ईयर्स के साथ, ऑल ईयर के साथ आपका फोर का यूज़ किया गया, तो आप ना सिंस का यूज़ कर सकते हैं ना फोर का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस करेक्ट कौन सा होगा, ये माई मदर हैड बीन वर्किंग ऑल ईयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पूरा टेंस देखा, रूल नंबर एक से लेकर 12 तक। ऐसा ही हम रूल नंबर एक से लेकर के 12 तक देख से और आगे बढ़ेंगे, पूरे इंग्लिश ग्रामर को पूरे 200 रूल में हम पूरे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।